क्वेश्चन ऐसे आएगा, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्क्राइब 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड। एक बॉडी 12 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन थर्ड सेकेंड, ये लिखा हुआ है 3 सेकेंड नहीं है, ये थर्ड सेकेंड है, तीसरा सेकेंड है, तो इसमें फॉर्मूला एस एन थ का लगेगा, एस एन थ का फॉर्मूला लगेगा। पता लग रहा है क्यों? अगर ये 3 सेकेंड होता तो ना लगता, थर्ड सेकेंड है लगेगा ऐसी। एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ का मतलब एस एन थ का फॉर्मूला लगेगा, ये पांचवें सेकेंड का डिस्टेंस है, ये 5 सेकेंड का डिस्टेंस नहीं है, पांचवें सेकेंड का डिस्टेंस है, फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकेंड, फिर से इसमें एस एन एथ का फॉर्मूला लगेगा, थ थ लिखी जा रहा है ना, तो थ देखते ही पता लग रहा है कि एस एन एथ ही लगेगा, नहीं लिखेगा थ तो फिर नहीं लगेगा एस एन एथ, समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे मेरे को ये फॉर्मूला पता लग गया लगेगा, मेरे को क्या गिवन है, केस नंबर वन, बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 मीटर, कितने टाइम में, थर्ड सेकेंड में, तो एन की जगह क्या पुट करेंगे, 3, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सही है। फिर केस नंबर 2, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20, कितनी देर में, फिफ्थ सेकेंड में, तो एस एन एथ के फॉर्मूले में ये 20, यू प्लस ए बाई टू, एन की जगह 5, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को लिखो और साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, मैथ लगाओ, ये फिजिक्स नहीं है, इन्हें माइनस कर दो, माइनस यू और यू कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 20 किया तो -8, ए बाई टू कॉमन आ गया, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आपने करनी है, ए आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ए आ गया और यू आ गया, आपको डिस्टेंस निकालना है कितनी देर में, 12th सेकेंड में, फिर से एस एन एथ का फॉर्मूला लगाओ, U पुट करो, A पुट करो जो ऊपर निकाला, और N की जगह 12 पुट करो, आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि S N की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, सही है? फिर एक बार करते हैं, दो बार करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपकी बारी स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, यानी कि S N का फॉर्मूला लगेगा, एंड 1200 सेंटीमीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिर से एस एन एथ का फॉर्मूला लगेगा। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ए कांस्टेंट है, तो हाउ फार विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। चलो ये हम बाद में निकालते हैं, पहले ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें, क्योंकि दो इक्वेशन इसलिए गिवन होती है ताकि आप यू और ए निकाल सकें। कैसे, बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड, तो एस एन एथ में एन की जगह क्या पुट करेंगे, 3, इमेजिन कर लेंगे यू और ए मुझे मालूम नहीं है, एन की जगह 3 और डिस्टेंस मुझे पता है 400, तो 2 × 3 = 6 − 1 = 5, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। फिर उसके बाद फिफ्थ सेकेंड में 1200, तो 1200 इज यू प्लस ए बाई टू, 2 × 5 − 1, 2 × 5 = 10 − 1 = 9, ये सेकेंड इक्वेशन। मैथ लगा के फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे, यू और ए निकाल लेंगे, यू नेगेटिव आते आने दो, कोई चक्कर नहीं है, यू और ए निकाल लेंगे, दो इक्वेशन से क्लियर है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, ये क्वेश्चन 2-3 बार आएगा, एक बार समझ लो, 3-4 तो अपने आप ही हो जाएंगे। उसने क्या बोला, उसने ये नहीं कहा डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकेंड निकालो, 7th सेकेंड निकालो, उसने कहा नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, मतलब आपको क्वेश्चन में यू और ए तो पता लग गया, आपको एक कहानी सुनाई थी इसने कि 3 सेकेंड में इतना डिस्टेंस है, 5 सेकेंड में इतना डिस्टेंस है, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप स्टॉपवॉच चलाएं तो आपकी स्टॉपवॉच 5 सेकेंड पर रुकी हुई है अभी, क्योंकि आपकी कहानी वो 5 सेकेंड तक उसने दी हुई थी। वो ये कहता है कि 5 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड का मतलब यहां पर टाइम क्या हो गया, 8 सेकेंड, क्योंकि 5 + 3 क्या हो गया, 8, तो आपको ये 3 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है क्या होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या निकालना है,
ये 3 सेकंड में डिस्टेंस क्या निकाल क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, कोई डाउट इसमें? क्योंकि 5 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन को अब करने की 2 टेक्निक्स है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है उसको कैसे व्यू करता है। मैं इसको ऐसे व्यू करता हूँ, इसमें कोई शॉर्टकट तो लगने वाला है नहीं, क्योंकि आखिरी 1 सेकंड का डिस्टेंस तो है नहीं, 3 सेकंड का टोटल डिस्टेंस है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर घड़ी में टाइम क्या है 8, तो मैं शुरू से लेके 8 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ S8, मैं शुरू से लेके 5 का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ S5, और मैं इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर लेता हूँ तो मेरे आखिरी 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। सही है यहाँ तक? तो मैं क्या करता हूँ, S8 माइनस S5, 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए अप्लाई करते हैं UT+ ½AT², तो U×8+ ½×A×8² S5 निकालने के लिए U×5+ ½×A×5² क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो UT+ ½AT² में 8 सेकंड, UT+ ½AT² में 5 सेकंड, दोनों को माइनस करके क्या जाएगा नेक्स्ट 3 सेकंड का डिस्टेंस, क्योंकि आप U आपको पता है, A आपको पता है, U आपको पता है, A आपको पता है, माइनस करके आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है कि इससे और बेटर मेथड है मेरे पास, मेथड नंबर 2। वो कहता है आपको ये डिस्टेंस निकालना था, तो एक काम करते हैं यहां पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं 5 सेकंड पे। वो कैसे? इस पूरी जर्नी के लिए यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड, तो यहां से यहां 5 सेकंड में अप्लाई करो V=U+AT। U आपको पता है, A आपको पता है, टाइम 5 सेकंड आपको पता है, V निकाल लो, तो V की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 1400। तो बस अब आप इतनी जर्नी ले लो, इस जर्नी में अप्लाई करो S=UT+ ½AT², U की जगह 1400, टाइम कितना 3, ½×A×3² सीधा आंसर आएगा। आपकी मर्जी है, आप टोटल में से टोटल माइनस करें, आप सिर्फ इस डिस्टेंस को माइनस करें, आपके पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई डाउट इसमें? आप दोनों में से कोई भी मेथड लगाएं, मैंने इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं जब घर जाके सॉल्व करते हैं, डाउट आता है कि यार ऐसा कर सकते थे आप। देखो अब ना कोई चक्कर ही नहीं है, अब ये फिजिक्स एक्चुअल स्टार्ट हो गई, आपको सबसे छोटा सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है? अब देखो ना कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, अब एक प्रोटोकॉल थोड़ी ना है कि यही करेगा, उसका दिमाग है यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कहता है जी ये ऐसे कर देंगे, बात खत्म हो गई, कोई लेके बैठ जाएगा 8 घंटे, फर्क है किसी मशीन ठीक करता है, कोई 8 घंटे ठीक नहीं कर पाएगा जो घंटे में करेगा। अब ये सेम हो गया, न्यूमेरिकल कोई 2 सेकंड में करेगा, कोई 2 घंटे नहीं कर पाएगा, ये आपकी टेक्निक है, आप कितनी प्रैक्टिस से गेम को खेलते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको आती है, ये VT ग्राफ आपको गिवन होगा, VT ग्राफ में ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो ये, अगर उसने VT ग्राफ का डिस्टेंस पूछा, मैंने कहा डिस्टेंस पूछा, तो आप एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि VT ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है वैसे, पर उसने डिस्टेंस पूछ लिया तो आप क्या करें, ट्राइंगल का एरिया लें प्लस इस ट्राइंगल का एरिया लें प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया ने, ऐड करें डिस्टेंस आ गया। आप कहेंगे सर जब मैं एरिया ले रहा था ना जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये -20 था, तो ½×base×height −20 ऐसे, तो फिर मैं माइनस का क्या करूं? देखो डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होते, तो आपने मॉड लगा लेना है, तो आपने किसी भी हालत में एरिया और एरिया को ऐड ही करना है, चाहे नेगेटिव हो जबरदस्ती पॉजिटिव करके ऐड कर दो तो डिस्टेंस आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट माइनस होती है, तो आप इसका एरिया लें फिर आप माइनस इसका एरिया लें, मतलब इसमें माइनस साइन कंसिडर करना है, और फिर इसका एरिया लें और इसे सॉल्व करके क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट में एरिया जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव वो नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस में सारे एरिया को ऐड ही कर देना है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव,
डिफरेंस समझ में आ रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये इसका हिंट है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, आगे नहीं है।